पीथमपुर महू नीमच मार्ग के दोनों तरफ सर्विस रोड खस्ता हाल है। हादसे रोज होना आम बात है। आज सुबह कांग्रेस के नेता अपनी बाइक से सर्विस रोड से गुजर रहे थे, तभी गड्ढों में बाइक फिसल जाने से गिर गए। उसके बाद वहीं धरने पर बैठ गए। पानी से भरे हुए गड्ढों में नेताजी और उनके अन्य साथी घंटों पानी में भरे गड्ढों में बैठे रहे और सर्विस रोड को दुरुस्त करवाने की मांग करने लगे। सर्विस रोड पर घंटों जाम लगा रहा। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और किसी तरह समझा बुझाकर धरना समाप्त करवाया। पीथमपुर सड़क हादसे के बाइक फिसलने से गिरे कांग्रेस नेता हेमंत हिरोले सर्विस मार्ग पर बाइक फिसलने से गिर गए। गिरने के बाद वहीं धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेता के धरने पर बैठने की खबर आग की तरह शहर में फैल गई। राहगीरों की भीड़ देखने के लिए रुक गई। वहीं सड़क पर बैठे हिरोले और अन्य नेताओं की मांग है कि सर्विस रोड की हालत बहुत ख़राब हो गई है, इसमें आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसे तुरंत दुरुस्त कराया जाना चाहिए। पीथमपुर से संजय सुनगरा की रिपोर्ट। सर बताएं, आज जो आप ये गड्ढे में बैठे हैं, क्या है पूरा? मैं ये जान बचा के यहाँ गिर गया हूँ, जान बचाते बचाते गिर गया हूँ सर, इसीलिए मैं प्रशासन से इसलिए बैठा हूँ धरने पे कि प्रशासन से मेरी ये मांग है कि भाई पीथमपुर में सर्विस रोड पे चाहे जहाँ भी वो गड्ढे है वो तत्काल भरे जाए, क्योंकि एक तरफ से MPRTC टोल टैक्स लाखों रुपए का टोल टैक्स वसूला जा रहा है, फिर भी है ना ये रोड पे आप यहाँ से वहाँ इंडोरामा तक के रोड देख लो आप, ऐसी है कहीं ना कहीं आदमी जान हथेली पे लेके चलता है। पीथमपुर नगर पालिका भी चारों तरफ से लाखों रुपए के लागत से स्वागत द्वार बनाने पे टिकी है, लेकिन उसको ये रोड नहीं दिख रही है। ये बड़े बड़े कई एक आधी दिन बड़ा हादसा होने का आमंत्रण दे रही थी, आज तो मेरे साथ कुछ होने से मैं मरते मरते बच गया साथियों। तो आप किस प्रकार से गिरे सर? ये गाड़ी मतलब ये इधर अगर इधर मरता तो भी मैं गाड़ी में गिरता, इधर गिरता नहीं, गिर गया ट्रक से। गाड़ी अनकंट्रोल होता तो गाड़ी पे ट्रक पे चला जाता था। आपका नाम और पद बता दीजिए सर। डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, मध्य प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष। मेरी पीथमपुर नगर पालिका प्रशासन से एवं MPRTC से और धार कलेक्टर से मांग है कि ये जितने भी सर्विस लाइन पे गड्ढे है ये तत्काल भरे जाए और बाकी के काम सौंदर्य का काम रोके जाए और ये जो जनहित के काम है, जरूरी काम है, यो कर जाए। यहाँ से लाखों लोग, हजारों महिलाएं पुरुष यहाँ से इस रोड से पैदल जाती है, गाड़ियों से जाती है, लेकिन प्रशासन मौन बैठा है। प्रशासन भी चाहता है कि बड़े हादसे हो जाए पीथमपुर में। अभी आप बैठे हैं, जाम लग रहा है, कब तक बैठेंगे आप? सर प्रशासन का नुमाइंदा जब तक नहीं आता है और हमारी बात नहीं सुनता तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। जी सर के साथ इसमें गड्ढे उड्ढे वो काफ़ी हो गए हैं और डॉक्टर हिरोले इसमें गिर गए थे जी, तो वो वहीं बैठ गए। उसे बात किया और संबंधित एजेंसी से बुला के बात करेंगे कि ये रोड और ठीक करवाएं जिससे एक्सीडेंट ना हो। सर सर्विस रोड की स्थिति काफ़ी दिनों से खराब है सर, और आए दिन यहाँ पर हादसे भी होते हैं, कई बार जनता की तरफ से विरोध किया गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही सर। आप निश्चिंत रहिए, मैं नेशनल हाईवे और प्रशासन और नगर पालिका सब मिला के इसे बात करूँगा। संबंधित विभाग के खिलाफ अगर आवेदन आएगा किसी तो क्या उस पर प्रकरण दर्ज करेंगे? बिल्कुल, यदि उनकी गलती पाई जाएगी तो प्रकरण खड़ी होगी। ठीक सर, आपका नाम बता दें। मैं बदनावर के लिए निकला था तो तभी मैंने मेरे मित्र जो समाज सेवी है डॉक्टर हेमंत हिरोले के गिरते हुए मैंने देखा, तो दौड़ते हुए मैं आया और देखा इनकी कि ये यहाँ इनके पैर में जो चोट लगी है और ये वाजिब मांग के लिए ये अभी पीथमपुर में यहाँ धरने पे बैठे हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि टोल वाले अभद्र व्यवहार करके लोगों से पैसा वसूल करते हैं, लेकिन सर्विस रोड पीथमपुर का इतना गड्ढों के बीच में मई गड्ढा मई हो चुका है, लेकिन MPRTC का कोई भी ध्यान इधर नहीं जा रहा है। हम देखते हैं कि जहाँ टोल नाका बना हुआ टोल के वहाँ पर भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, अगर उससे थोड़े अगर हम आगे जाएं और इंदौर रोड पे मिलेंगे तो वहाँ तो इतने बड़े गड्ढे हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। हम डॉक्टर हेमंत हिरोले आज जो यहाँ धरने पे बैठे हैं, युवा कांग्रेस धार मऊ लोकसभा की तरफ से उनका समर्थन करते हैं और आज प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये गड्ढे भरे ताकि यहाँ की पब्लिक जो परेशान हो रही है उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए ऐसा ना हो कि कल बहुत बड़ा हादसा हो जाए। आज तो डॉक्टर हेमंत हिरोले के साथ हुआ, कल किसी आम व्यक्ति के साथ ना हो। आपका नाम और पद? राधेश्याम मुवेल, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष धार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।